जम्मू कश्मीर आज एक बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। फॉग चल रहा है भाई, फॉग। अब इस फॉग के अपने अपने मायने हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर में, अपने घरों में कैद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बंदूक के साए में विवश हैं लोग अपने अपने घरों में बंद होने के लिए। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि ये बताया जा रहा है देश को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। वास्तव में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं इस तरह से? आप सबको पता है कि भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 370 बोलें, धारा बोलना तकनीकी रूप से सही नहीं होगा, और अनुच्छेद 370 के अलावा 35A, इन दोनों को हटाने का, और हटाने का भी नहीं बल्कि निष्प्रभावी बनाने और हटाने। निष्प्रभावी कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हटाने बोलने से ऐसा मैसेज जाता है कि हम जैसे अनुच्छेद 370 हटा रहे हैं, और तकनीकी रूप से बात यह है कि 370 का एग्जिस्टेंस बना हुआ है, हम सिर्फ उन धाराओं को निष्प्रभावी कर रहे हैं जिस वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जो टेम्पररी बेसिस पर, जो ट्रांजिशनल बेसिस पर और जो स्पेशल कैटेगरी दी गई थी, उस स्थिति के बाद जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा था उसको ख़त्म किया गया है। और ये मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई राजनीतिक बेईमानी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रहा है, लंबे समय से रहा है, जनसंघ के समय से रहा है, यानी बीजेपी का जो पुराना संस्करण है उस समय से ये उनकी उनका एक लक्ष्य रहा है कि वो इससे जम्मू कश्मीर को मुक्त करेंगे। इस हिसाब से राजनीतिक बेईमानी नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी की इस पहल को, बीजेपी सरकार की इस पहल को सही ठहराया जा सकता है? बड़ा सवाल यह है कि देश का बड़ा हिस्सा, वहाँ जश्न है, जश्न का माहौल है, मीडिया का बड़ा हिस्सा जश्न मना रहा है, और जो लोग मायूस हैं उनके चेहरे पर जबरन मुस्कान लाने की कोशिश करने में सरकारी महकमा भी जुटा है, मीडिया का वो बड़ा तबका भी जुटा है। मैं इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूँ? मेरा साफ मानना है कि जब कोई चीज़ होती है उसको हासिल करने के तरीके, उसको संभव बनाने के तरीके अगर वो सही हैं तो निश्चित रूप से उसका अंजाम भी सही होगा। लेकिन अगर किसी लक्ष्य को पाने का हमारा तरीका गलत है तो इसमें आशंकाएं होंगी कि वो मकसद जो है डाइल्यूट हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये चिंता है, और ये चिंता जिन लोगों को है वो सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो धारा अनुच्छेद 370 हटाने की कोशिश हुई, 35A हटाने की कोशिश हुई, उसको उसके क्रम को गौर करें कि ऐसा लगता है जैसे एक साजिश हुई है। आपको आश्चर्य होगा कि हम साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं जस्टिफाई करता हूं इस बात को। आप देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ख़त्म कर दिया गया। बिना विधानसभा की वो राज्यपाल के अधीन सरकार थी। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, राज्यपाल को नहीं मालूम था कि अनुच्छेद 370 और 35A हटाने की कोई कार्यवाही की जाने वाली है, और वो तब तक नहीं मालूम था जब तक कि ये लागू नहीं हो गया, संसद में बात नहीं आ गई, दुनिया को नहीं आ गई। आप बोलेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर में लोग आशंकाएं जता रहे थे कि क्या होने वाला है, धारा 144 लागू हो गया, पर्यटकों को कह दिया गया कि आप देश छोड़ दीजिए, अमरनाथ यात्रा जो कभी रुकी नहीं थी, आतंकियों की धमकी से भी नहीं रुकी थी, सरकार ने अपने आप इसे कैंसिल कर दिया। अभूतपूर्व घटना है ये, पहली बार ऐसा हुआ। अगर यही अमरनाथ यात्रा को रोकने का काम वो पार्टी जो कि हिंदूवादी कथित तौर पर नहीं है अगर करती तो बवाल मच जाता
कि कैसे ऐसा किया गया। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्व का पैरोकार समझती है, उसकी सरकार में अमरनाथ यात्रा को रोका गया, तो इस पर कोई उंगली नहीं उठी। लेकिन ये बड़ा सवाल था, ये उस साजिश का हिस्सा था जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इन सब के बाद जो बेचैनी थी जम्मू कश्मीर के लोगों में कि क्या होने वाला है, तो वहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे वो PDP हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और कांग्रेस पार्टी हो, यानी गैर BJP के जो की जो पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उन लोगों ने आकर के मुलाकात की राज्यपाल से, पूछा कि क्या होने वाला है आप बताएं। स्पष्ट रूप से राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना धारा अनुच्छेद 370 हटने वाला है, ना 35A हटने वाला है। तो आप बताएं, राज्यपाल को मालूम नहीं है, ये दूसरी साजिश, साजिश का दूसरा बिंदु। उसके बाद तीसरी ओर मैं ध्यान दिलाता हूं, आप देखिए एक लंबे समय से राज्यसभा में इस्तीफों का दौर चल रहा है। ये इस्तीफे क्या हैं? व्यक्तिगत रूप से वो सांसद क्या सदन छोड़ना चाहते हैं इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं? क्या वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो उनका कोई व्यक्तिगत कारण है, ना तो वो राजनीति छोड़ रहे हैं। वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि एक राजनीतिक दल को राज्यसभा, जो कि देश का ऊपरी सदन है, उसमें बहुमत हासिल हो जाए। ये क्या है? ये उसी साजिश की कड़ी है कि संसद में किसी तरह से वर्चस्व स्थापित करके दोनों सदनों में, एक सदन में तो पहले से है, और जम्मू कश्मीर की इस स्थिति में, उसकी ज्योग्राफी में, उसके राजनीतिक ओहदे में परिवर्तन किया जाए। एक और साजिश की आपको याद होगा, UAPA बिल जो लाया गया, तब लोग इसका मतलब बहुत नहीं समझ पा रहे थे। इस तरह से जोड़ा जा रहा था कि जो लोग UAPA के खिलाफ हैं वो देश में आतंकवाद को खत्म करना नहीं चाहते। और UAPA में क्या था, बेसिक जो बात है, एक दो लाइन में मैं आपको बताता हूं कि UAPA में किसी को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अदालत में अब तक आतंकवादी कोई घोषित होता रहा था, अब अदालत से बाहर NIA जिसको चाहेगी उसको आतंकवादी घोषित कर सकती है। ये UAPA का डर जो है अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को सता रहा है, ये तैयारी भी थी और ये भी उसी साजिश का हिस्सा है। आज अब जम्मू कश्मीर में कोई विरोध की आवाज उठाकर देख ले, सरकार के पास उन्हें दबाने के लिए UAPA है, वो उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है। और देश के शेष हिस्सों में भी जो लोग इस तरह से बातें कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को क्यों नहीं पूछा गया, उन पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि उनको UAPA के अंडर आतंकवादी घोषित किया जा सकता। आप खुलेआम टेलीविजन चैनलों में देख रहे होंगे, जो लोग विरोध में बोलते हैं उनसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, उनसे कहा जाता है कि आप देश विरोधी हैं, उनसे कहा जाता है कि आप उन लोगों के साथ हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ये क्या है? क्या अचानक से देश में देश विरोधी पैदा हो गए? गद्दारों की संख्या अचानक बढ़ गई? देशभक्तों की संख्या अचानक बढ़ गई? दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती कि देशभक्त भी बढ़ जाए और गद्दार भी बढ़ जाए, लेकिन ऐसा दिखाया और बताया जा रहा है। यह जो स्थिति है, आप देखेंगे, एक और आपका ध्यान दिलाना जरूरी है, यह बात अक्सर कही जाती है, जैसे ही हम इस बात को उठाते हैं कि आखिर आप देखिए कि झारखंड बनता है तो बिहार विधानसभा से वो पारित होता है, जब उत्तराखंड बनता है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पारित होता है, जब सीमांध्र बनता है तो वो आंध्र प्रदेश की सीमा, जो जब तेलंगाना बनता है तो वो आंध्र प्रदेश की सीमा से के विधानसभा से पारित होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया, वो राज्य के दर्जे से यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया, किसी विधानसभा की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या ये लोकतंत्र है? इसको लोकतंत्र बोलेंगे? क्या इस तरीके को जायज ठहराएंगे? आप कह सकते कि विधानसभा निलंबित थी,
उसलिए उसके अधिकार जो राज्यपाल के पास थे और राज्यपाल के अधिकार संसद के पास हो गए, वो भी बहुत जायज तरीके से नहीं, वो क्वेश्चनेबल है, ग्रे एरिया है। मैं उस पर इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल विद्वान जो हमारे देश के, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट नहीं था तरीका कि आप जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो शक्तियाँ हैं उसको राज्यपाल के माध्यम से, जब विधानसभा निलंबित रहे, सस्पेंड रहे, तो संसद में आ जाए, ऐसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। फिर भी चलिए मान लेते हैं कि अगर कानूनी पेचीदगियों को अगर करेक्ट वे में भी किया गया हो, तो क्या नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर यह सही है कि एक विधानसभा को के भंग रहते हुए इतना बड़ा फैसला लिया जाए? आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, इस भाषण में सब बहुत जोर देकर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोग फिर से पहले की तरह चुनकर आएंगे, निर्वाचित होंगे, बहुत जल्द ही चुनाव होने वाला है, इसके साफ साफ संकेत दिए गए। जब तुरंत चुनाव होने वाला है, ये बात सामने आ चुकी है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आपने इस चुनाव का इंतजार किया? क्यों नहीं चुनी हुई विधानसभा में की सहमति लेने की कोशिश या जरूरत आपने समझी गई? आखिर हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, क्या लोकतांत्रिक मर्यादा को बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, क्या इनकी मर्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों को जिंदा रखा जाए? इस बात की अनदेखी की गई। ये पूरा जो घटनाक्रम है, पूरी जो बात है, एक साजिशन एक के बाद एक घटित हुई, ऐसा अब महसूस हो रहा है। और धीरे धीरे स्थिति साफ होगी, स्पष्ट होती जाएंगी बातें कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। एक बात कहा जाता है, कही जाती है बात, कि आप जो कुछ बोलते हैं विरोध में, उसका फायदा पाकिस्तान उठा ले जाता है, उसका फायदा दुश्मन देश उठा ले जाती है। बहुत सही बात है, आज दुनिया ग्लोबल है, हम जो कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पर बोलते हैं, इवन संसद में भी बोलते हैं, तो वो बात दुनिया में फैल जाती है और इसका फायदा लोग उठाते हैं। मगर क्या इस वजह से हमारी जुबान बंद कर दी जाएगी, हम बोलना बंद कर देंगे? आपको मैं उदाहरण देता हूं, अभी अभी एक टेलीविजन चैनल ने दिखलाया है कि किस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आसिफ जरदारी सदन में, वहाँ की पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बोलते हुए देखे गए कि जो 1971 युद्ध के बाद में जो शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने बहुत कमज़ोर शर्तें रखी पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान के पास में 15,000 किलोमीटर का एरिया जो भारत के कब्जे में था उस युद्ध के बाद में, और 90,000 सैनिक थे भारत के कब्जे में, और भारत ने दोनों आसानी से पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिए, लौटा दिए, और भारत ने उतना फ़ायदा जो उठाना चाहिए था नहीं उठाया, कमज़ोर शर्तें रखी। ये बात आसिफ जरदारी ने वहाँ की सदन में कही, और उस चीज़ को भारत की मीडिया यहाँ पर हिंदुस्तान में दिखला करके ये कह रहा है कि कांग्रेस जो थी वो किस तरीके से परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठा रही थी और कैसे पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी, यानी इंदिरा गांधी को भी पाकिस्तान का समर्थक बताया जा रहा है। आप देखिए, आप यहाँ थोड़ा सा ठहर के सोचिए, क्या आसिफ जरदारी को हिंदुस्तान का यार बताया जा सकता है? क्या आसिफ जरदारी को पाकिस्तान के लिए गद्दार बताया जा सकता है? हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो बिल्कुल बताया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की सदन में वो जो कुछ बोल रहे हैं उसका वहाँ पाकिस्तान का दुश्मन देश हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। यही थ्योरी यहाँ लागू हुई। अगर हमारी संसद में पी चिदम्बरम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया जा रहा है वो अलोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है और उस भाषा को पाकिस्तान में भुनाया जाता है, तो क्या आप पी चिदम्बरम को, पूरी कांग्रेस को आप पाकिस्तान का यार बताएंगे, हिंदुस्तान का गद्दार बताएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसे समझने की जरूरत है, और मीडिया जानबूझकर इसे खुद तो समझते हुए ना समझ बन रहा है, जनता को बेवकूफ बनाने पर तुला हुआ है। क्या इसकी इजाजत दी जानी चाहिए?
एक और उदाहरण रखता हूं। आपको याद होगा ट्रंप ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। झूठ इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में हूं और हिंदुस्तान की सरकार के साथ हूं, वरना झूठ कहने से थोड़ा परहेज होना चाहिए था। यह झूठ इसलिए भी है कि अमेरिका की मीडिया के हिसाब से ट्रंप 10,000 से ज्यादा झूठ बोल चुके हैं, तो उनको हम सच कैसे मान लें। ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको कश्मीर में मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था। हम लोग यकीन नहीं कर सकते, हम लोग तो शिमला समझौते से बंधे हुए, हमेशा द्विपक्षीय आधार पर इस मुद्दे को हल करने की बात कहते हैं। जब कभी भी अमेरिका ने मध्यस्थता की बात की है, हमारी हर सरकारों ने इसको ठुकराया है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ठुकराया है। अचानक तो ये रूल, ये नियम, ये परंपरा बदल नहीं सकती, हम मान नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं। इसी बात पर, इसी आधार पर अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद, डेमोक्रेट जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी वहां विपक्षी पार्टी है, रिपब्लिकन सत्ता में है, तो डेमोक्रेट जो पार्लियामेंटेरियन है, उनमें से अभी नाम स्मरण नहीं है, लेकिन दुनिया में आप कहीं भी सर्च मारेंगे, दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि डेमोक्रेट सांसद ने ये बताया कि हम माफी मांगते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के सरकार से, कि हमारे राष्ट्रपति ने झूठ बोला। अब समझिए इस बात को कि हमारे देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत है, चाहे विपक्ष का ही क्यों ना हो, कि वो बोले कि हम ट्रंप जी आपसे माफी मांगते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने कभी कुछ झूठ बोला हो, या इमरान खान साहब हम आपसे माफी मांगते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला हो। इस हिम्मत की तो बात छोड़ दीजिए, ये हिम्मत तो है ही नहीं। आप ये बताइए, क्या उस डेमोक्रेट सांसद को अमेरिका का के हिसाब से, मैंने ये सोचे, गद्दार बताया जा सकता है? अमेरिका का गद्दार, अमेरिका का डेमोक्रेट और सांसद और अमेरिका का गद्दार, या भारत का यार? नहीं बताया जा सकता, लेकिन बताया जाएगा अगर भारत की मीडिया को आप फॉलो करते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हैं। इसी आधार पर इस देश में विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश हो रही है। अब थोड़ा सा विषयांतर करते हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की भी घोषणा तो नहीं की, संकेत दिया, और इस संकेत के साथ साथ उन्होंने जो बताई, जो बातें कही कि कैसे जम्मू कश्मीर स्वर्ग हो जाएगा, कैसे वहां विकास की बयार बढ़ने लगेगी, उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये जो विकास के बयार की बात उन्होंने कही है, विकास के बयार की बात, हम उनकी बात को अक्षरशः मान लें, जो वो कह रहे हैं उनको हम मान लें कि वो करने वाले। हमारी मीडिया यही कह रही है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर स्वर्ग में बदल जाने वाला है। अरे साहब, प्रधानमंत्री जी तो 2014 के बाद से काला धन खत्म करने की बात कर रहे थे, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे थे, देश में डबल डिजिट में ग्रोथ रेट ले जाने की बात कर रहे थे, कहाँ गए वो वादे? ये बेरोजगारी चरम पर क्यों है? किसानों का आत्महत्या करना क्यों जारी है? क्यों ये देश जो है मॉब लिंचिंग के लिए एक जगह बन चुका है और मॉब लिंचिंग स्थान कहा जा रहा है? क्यों? ऐसा नहीं, आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि आप भी उन्हीं खेमे में हैं जो लोग हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहती हैं। आपको स्मरण दिलाते हैं, जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने जुबान खोली थी। मैं याद दिलाता हूं कि कब खोली थी, उन्होंने जुबान खोली थी संसद में, जब कहा कि हमारे झारखंड का अपमान मत करो। मैं भी झारखंडी हूं, लेकिन शर्म आती है जब झारखंड में एक व्यक्ति को जय श्री राम बोलने के लिए मार 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 कर हत्या कर दी जाती और तर्क दिया जाता है कि वो तो चोर था। अरे कोई अगर व्यक्ति चोर है तो आप उसकी मॉब लिंचिंग कर देंगे? देश में कानून नहीं है, आप उसको पीटते हुए जय श्री राम बोलवाने से उसकी उसकी चोरी का प्रायश्चित हो जाएगा? ये कौन सा तरीका है? इसकी निंदा, इसके लिए हम शर्म महसूस करते हैं कि मैं झारखंडी हूं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि झारखंड का झारखंड को मॉब लिंचिंग की फैक्ट्री ना कहें। अरे झारखंड को ना कहें, हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रही तो उसको क्या कहें? आप शर्म आपको महसूस नहीं होती? हमें तो होती है, हमें बिल्कुल शर्म महसूस होती है कि एक चोरी के अपराध में एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो ये जो
देश में प्रवृत्ति बनी है, ये जो तरीका बना है सोचने का, यही वो सोच है जो कि हमें जम्मू कश्मीर में चिंतित करती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए जम्मू कश्मीर में अन्याय हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत था, जोरदार तरीके से कहना चाहिए गलत था। लेकिन आप पूछेंगे आज आप कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कह रहे हैं, इस तरह के सवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पहले तो बीजेपी भी थी, दूसरी पार्टियां भी थी, और जब कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में फैले थे निश्चित रूप से, ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा का दायित्व था कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को उनकी सुरक्षा दी जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, और ऐसी घटना जो प्रदेश से उन्हें बाहर कर रही थी उस पर रोक लगाते। वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने ये नहीं किया, क्यों? आप इसको एनालाइज कीजिए, ये बहुसंख्यकवाद था जो वहां के अल्पसंख्यक को इज्जत देने को तैयार नहीं था, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था, और संभवतः यही कारण है कि लद्दाख के लोग खुश हैं, जम्मू के लोग खुश, बिल्कुल खुश हैं। क्यों नहीं खुश होंगे कश्मीरी पंडित, क्यों नहीं खुश होंगे जब उनकी जो तबाही है, उनका जो जीवन बर्बाद हुआ है, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक तरफा सोच की वजह से हुआ है। लेकिन इस गलती को सुधारने का क्या तरीका होगा? क्या हमारी संसद भी उसी तरह से बहुसंख्यकवादी हो जाएगी? क्या हमारी संसद भी अल्पसंख्यकों के साथ वैसा ही बर्ताव करना शुरू करेगी? हमारी संसद का यह चरित्र नहीं रहा है, देश की संसद का यह चरित्र नहीं रहा है। और हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि आज जो कुछ संसद में हो रहा है वो ये बात स्पष्टता से और जोरदार तरीके से कहने की जरूरत है कि ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ संख्या नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि हमारे पास संख्या है तो उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे जिनके पास संख्या कम है, ये लोकतंत्र है। अगर आपको मैं इसे और स्पष्ट करने के लिए बताता हूं, पिछले दिनों कुछ एक घटना घटी थी दिल्ली की विधानसभा में, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव ऑलमोस्ट पास ही हो गया था, बाद में सफाई दी गई कि ये टेक्निकल गलती और हाथ से जोड़ा गया और कुछ कुछ और। मान लीजिए कि अगर वो पास हो जाता तो क्या ये लोकतंत्र होता? इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद कि हमारी संख्या है तो हम चाहे जो कर लेंगे। मैं वही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में भी ठीक है, आपका लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बहुमत हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुसंख्यकवाद को प्रश्रय दें, लोकतंत्र का गला घोटें। आपको जो समावेशी विकास की बात करते हैं, जो विश्वास की बात करते हैं, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस विश्वास को ही आपने तोड़ा है। अगर आप जिस जम्मू कश्मीर के लिए इतने सारे परिवर्तन कर रहे हैं उस कश्मीर की जनता से आपने पूछा नहीं, पूछने की जरूरत नहीं समझी, आप सिर्फ एक तरफा डायलॉग कर रहे हैं, आप सिर्फ बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब शांति पे लौट रहा है देश। और अगर कोई उसमें शुभा जताता है, बताता है कि कहाँ शांति पे लौट रहा है, पिछले दिनों 55 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, या फिर लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो आप कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में और उपद्रव हो? आपने उसको सीधे सवाल उठाने वाले को आप अराजकतावाद से आपने जोड़ दिया, जबकि अराजकता फैलाने के दोषी आप है। ये पूरी तस्वीर बन रही है। आगे रास्ता जो है बहुत कठिन है, चौराहा है, किस तरफ देश बढ़ेगा ये इस बात पर निर्भर करने वाला है कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम सद्भावना रखते हैं, हम ईश्वर से मनाते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो प्रतिक्रिया ना हो जैसी आशंका है, सब कुछ पटरी पर हो जाए। अगर एक बात जिस पर सब देश सहमत हो जाए, जम्मू कश्मीर के भी लोग सहमत हो जाए, चाहे वो धारा 370 लगाने की बात थी चाहे वो हटाने की बात थी, अगर देश सहमत है तो सहमति ही सबसे अच्छा रास्ता है, यही एकमात्र विकल्प है, इसी दिशा में आप सबको बढ़ना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।